हेलो दोस्त, 2 दिन से लगातार वीडियो आपके लिए हमें भी बनाना पड़ रहा है। हो सकता है आपको देखने में भी कष्ट हो, लेकिन हर बार अपडेट नया नया आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के रिगार्डिंग। कब होगी परीक्षा, इसके बारे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एनसीओ जी का क्या कहना है। साथ में एलपी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग स्टेटस के लिए बताया गया है कि 5000 के समथिंग लोगों का ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग का बचा हुआ है, 62000 कुछ वैकेंसियों में से बाकी लोगों को अपने जगह पे आ गए हैं। तो आज रेलवे का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सवालों का जवाब दिया गया। तो यहाँ पे रेलवे की परीक्षा के लिए सिद्धार्थ जी का सवाल आता है, तो यहाँ भी इस बार भी पहले की तरह उन्हीं का सवाल आया है, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन पहले उससे पहले कल का जो अपडेट था, नोटिफिकेशन और नोटिस आया था कह सकते हैं, जिसमें लिखा गया था कि जब तक कोविड से स्टेटस सही होगा तभी परीक्षा होगा, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लॉकडाउन वगैरह 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 लगा हुआ है। तो ये तो क्लियर लिखा था, लेकिन डेट कहीं नहीं लिखा था। वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब करीब इसी नोटिस के, जो आपका नोटिस 31/5 का आया था, आज 2/6 है यानी 2 दिन पहले, उसी नोटिस को रिपीट किया गया है लगभग, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं क्या है। तो चलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो आपको यहाँ छोड़ जाता हूँ इसी में अटैच करके, क्योंकि आप तो ऑफिशियल डाटा देखिए और ऑफिशियल डाटा में क्या कहा जा रहा है एग्जाम के बारे में। फिर बीच में कोविड आ गया, हमने काफ़ी उसमें काम किया भी है। सिद्धार्थ जी का प्रश्न था उस पे, और सिद्धार्थ जी आप हैं? हाँ सर, मैं हूँ। प्लीज सर, नमस्कार। सर, रेल जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, वो कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो ये क्या स्टेटस है, कब तक इसको यानी पूरा कर लिया जाएगा? और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक और है, जो एलएलपी और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती चल रही थी जिसमें ट्रेनिंग होनी है, तमाम चीजें हैं, तो उसका क्या स्टेटस, क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तमाम लोग परेशान हैं। जी सिद्धार्थ, आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है और एक लाजमी सवाल आपने पूछा है। एज फार एज रेलवे में हम अगर आप देखा जाए तो हमारे पास से जो हम लोगों ने अपनी पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें कुछ एरियाज में कुछ हमारे जो सेंट्रल एडवर्टाइजमेंट्स निकले थे उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी की भर्ती की थी। 1,43,000 वैकेंसी हमने भर दी थी, जिसमें 64,000 वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियंस की थी। लेकिन आपकी बात ठीक थी, कई सारे इसमें एएलपी, करीब 5,000 एएलपी अभी भी हैं जिनको कि या तो वो ट्रेनिंग में है या वो अभी आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कई स्टेट्स में भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कि ट्रेनिंग सेंटर्स अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उनकी परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू कराया है और एएलपीज़ की ट्रेनिंग कराई है, इसीलिए ये नंबर अब घट के इतना रह गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में ये भी सब लोग काम पे आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट दे विल बी ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर मिले हैं या मिलने वाले हैं, बट दे आर येट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो जो माइंड में दुविधा रहती है वो खत्म हो गई है। They will most likely be joining training within a month or a month and a half, depending on ये जिस जगह पर state governments की हम लोगों के ऊपर खास तौर से उन्होंने ये कह रखा है कि training को अभी आप ना शुरू करें, लेकिन कोशिश यही है कि हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये कोविड की इसमें पेंडेमिक में भी काफ़ी कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में सारे के सारे लोग जो बचे हुए लोग भी हैं वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, और जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है जहाँ पे इस तरह का रोक नहीं है वो भी पूरा हो जाएगा। अब आपकी बात थी एनटीपीसी कैटेगरी की। एनटीपीसी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने निकाली थी, इसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, और एनटीपीसी कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसीज थी करीब, ये मेरे हिसाब से करीब इसमें वैकेंसीज जो थी वो 36,000 थी। इसमें करीब करीब जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था उसमें करीब करीब मैं कहता हूँ 1 करोड़ के करीब लोगों ने एग्ज़ाम अपीयर हो चुके हैं 7 फेजेस में। लास्ट का जो फेज था ये मई और जून वाला, ये अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड। जैसे कि आपको मालूम है एग्ज़ाम आप कॉमन लेते हैं जगह जगह पे एक ही टाइम पे एक ही दिन में, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम है या बाकी जगह एग्ज़ाम सब रुके हुए हैं। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो हम ये जो बचे हुए लोग हैं इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे एग्ज़ाम इनका। तो ये बेसिक एग्ज़ाम इसलिए नहीं रुका है कि बेसिकली कोई और लिमिटेशन था, अगर होता तो हमने बाकी एग्ज़ाम भी नहीं किया होता। तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हम एग्ज़ाम ले चुके हैं ये इस बात का द्योतक है कि एग्ज़ाम इज हेल्ड सीरियसली, पीपल आर अपियरिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही ये पेंडेमिक का मामला ख़त्म होगा
क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग है। ये जो आप जो करवा रहे हैं ये इसका नोडल आरआरबी चेन्नई है जो इसको दिया गया ये काम, तो वो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी से, स्टेट गवर्नमेंट से कि कहाँ कहाँ पे जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या व्यक्ति आ पाएंगे। हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट कैंडिडेट के भी आते हैं आरआरबी में कि अभी हम किसी भी पोजिशन में नहीं है आने के लिए, तो इन सबको नज़र रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पर एग्ज़ाम कराएँ, क्योंकि आप भी समझेंगे कि कोई एग्ज़ाम आपने जल्दीबाजी में करा लिया और बाद में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गए तो देट विल ऑल्सो बी नॉट बी नाइस, बट आई कैन वॉन्ट टू अश्योर यू कि एग्ज़ाम होगा और रेगुलर तौर पे ये आगे चलता रहेगा।